Assalamualaikum नाज़रीन, मैं आरफा शौकत अपने कुकिंग शो आरफाज किचन में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई रेसिपी लेके आज बटर चिकन। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल हैं मेरी आज की इस रेसिपी में। ये देखिए चिकन है 1 kg, ये प्याज है 2 गड्डी और ये नमक, मिर्च, धनिया और ये तेज़पत्ता है, ये दही है, ये क्रीम है, लहसुन अदरक पेस्ट और ये तेल, ये कसूरी मेथी और ये 6-8 जो है काजू हैं और 8 बादाम हैं और ये पिसा हुआ गरम मसाला है और ये टोमेटो पेस्ट है। मैं आपको ये बताती चलूं कि मेरी आज की जो कुकिंग है ये 2 मरहलों में होगी, एक बेकिंग रोस्टिंग और एक जो है कुकिंग। चिकन में हम मसाला लगा के इसको रोस्ट कर देंगे एक तरफ और दूसरी तरफ मसाला बना के हम चिकन को पकाएंगे। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो थे ये तो मेरे कुकिंग के इसके हो गए थे, अब मैं आपको रोस्टिंग का दिखा रही हूँ कि ये चिकन के साथ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट रहेगा, ये सब मसाले रहेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच जीरा, ये गरम मसाला 1 चम्मच और ये कलर है ऑर्गेनिक कलर और ये नींबू इसमें पड़ेगा। तो ये सब तो मेरे हो गए और इसमें दही भी इंक्लूड होगा और ये लेमन भी पड़ेगा। ये मेरे रोस्टिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 टेबलस्पून है। इसके बाद ये सारा मसाला, नमक, मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला और ये ऑर्गेनिक कलर, ये सब हमने इसमें शामिल कर दिया और ये हो गया। अब हम इसमें लेमन स्क्वीज कर देंगे। एक लेमन हम डाल देते हैं टेस्ट के लिए और हम इसको मैरिनेट करके, मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब इसको आप आधा घंटे तक रख दें मैरिनेशन के बाद, फिर इसको आप रोस्ट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चिकन रोस्ट हो रहा है तो अभी थोड़ी देर में ही इंशाल्लाह रोस्ट हो जाएगा। डाला हमने, अब इसमें हमने प्याज डाल दी, तेज पत्ता डाल दिया, जब तक मेरा चिकन रोस्ट हो रहा है मैं इसका मसाला बना लेती हूँ ताकि टाइम कम लगे और हमारी रेसिपी जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, नमक, मिर्च और धनिया डाल दिए, और अब मैंने ये, अब मैं टोमेटो प्यूरी डाल दे रही हूँ, मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी, आधा दही योगर्ट डाल दिए, ये अब मैं इसको धीमी आंच पे छोड़ दूंगी, ये जल्दी से हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो गया, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाले दे रहे हैं और ये हम डाल दिया गरम मसाला, थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया, अब हम इसमें ये चिकन जो हमारा रोस्ट हुआ हुआ है ये हम डाल देते हैं। ये सब हमने ये डाल दिया है, अब हम इसमें ये क्रीम डाल देंगे, छोड़ देंगे हम इसको,
साथ ही हम इसमें थोड़ा सा केचप भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और ये हो जाएगा जब तक बंद कर देंगे। और इस व्यूअर्स अब देखिए, देख रहे हैं कि हमारा चिकन कैसा पकता है। ये हमारा चिकन जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें आखिर में बटर डाल देंगे। ये बटर हमने डाल दिया और ये कसूरी डाल दी। 5 मिनट के लिए हम इसको और छोड़ देंगे और हमने इसमें ये केवड़ा डाल दिया है। हम इसको 5 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बटर चिकन जो है डिश आउट कर लिया है। और बटर चिकन जो है आजकल बहुत ही फेमस जा रही है ये रेसिपी। बच्चों को ख़ास तौर पर ये डिश बहुत पसंद है। हम लोग के यहाँ सब लोग यंगस्टर्स में भी ये बहुत पॉपुलर हो रही है डिश। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी रहेगी। और मैं आप लोगों से फिर वही बात कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर में फिर चलते हुए आखिरी बात कि आप सब लोग, हम सब लोग हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम लोग को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर बुरे वक्त और हर बुरी घड़ी से बचाए। वस्सलाम, शब बख़ैर।